राम राम भाई सारे फिर तो स्वागत है तारा असी और रसाइए नए नए चुटकुले। तो भाई एक बार एक आदमी की भैंस बीमार होगी तो बाजा बाजा आपका पड़ोसी झंडू दौरे चलिया गया ने बोले हाँ भाई झंडू तेरी भैंस बीमार हो जी तेने के दिया था झंडू पड़ता है बोले माटी का तेल। वो इतनी सुन के आ कि नर सुना अपनी भैंस ती माटी का तेल की नाल दीदी भैंस भाई तेल भीतर में जाती मुर्गी। फिर गया पड़ोसी झंडू दौरे ने बोले हाँ भाई झंडू के दिया था ने बोलिया माटी का तेल। बोलिया भाई माटी का तेल तुमने भी दिया था मेरी तो मर गई ने बोलिया भाई मर तो मेरी भी गई थी। झंडू अपनी माँ तक कहने लग गया कि माँ मैं तड़का स्कूल में नहीं जाऊँगा। उसकी माँ बोली क्यों। बोलिया बस मैंने कह दी तो कह दी। बोला के बात फिर तेरी आज धुलाई होगी के ने बोलिया पढ़ता है झंडू। बोलिया मैडम अपना अपने बीरा ने केला रीझे। बोलिया के हो गया रह नू क्या तक है झंडू ने बोलिया। बोलिया माँ बोर्ड पर आपने खुद ने मैडम ने तो नू लिख दिया महाभारत। और फिर मेरे तो पूछण लगी कि महाभारत किसने किसने लिखा तो मन्ने नू कह दी। अब मैडम ये तो आपने लिखा नू कह दिए मैडम ने मेरा दे थप्पड़ लाल बना दिया। एक बार क्वेश्चन पढ़ाता मास्टर और बड़का तो समझाने लग रहा कि जिस शब्द के अंत में ई आवे तो स्त्रीलिंग हो जा है जैसे नाली गाली आदि। इतनी बार में झंडू उठ के बोलिया। बोलिया मास्टर जी मेरी पिताजी आपको बुला रही है। भाई एक बार रेल में दो आदमी आपस में लड़न लग रही और बहुत देर होगी तो उनमें तो एक जना उठ के न बोलिया जतनी बकवास करी ने मैं तेरे 34 के 34 दांत तोड़ दूंगा। तो भाई उस आदमी ने नू कही तो एक बराबर में आदमी और खड़ा था उन बोलिया हार है मुँह मत तो भाई 32 दांत हूँ 34 क्या तक कही नू। बोलिया मैंने बेरा था तू बीच में टांगड़ा होगा या तो मनो 32 इसके 2 तेरे एक्स्ट्रा बोले थे